Very good morning class. Now today we will discuss opposite words. आगे क्या opposite word discuss करेंगे हम? Topic is opposite words. कल हमने start किया है new topic. Opposite word means मैंने आपको बताया था क्या होता है? उल्टा अर्थ जिसका निकलता है वो होते हैं opposite words. Okay? अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं हम एंटोनियम्स. ओके, तो हमने कल इसके डेफिनेशन के बारे में, अपोजिट्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे सेंटेंस में अपोजिट्स के. ठीक है, तो आगे के आज हम अपोजिट्स वर्ड डिस्कस करते हैं क्या और क्या हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर ग्रामर नोटबुक. वर्ड एंड अपोजिट्स. Word and opposites. Okay, तो आपको टू जहां पे अगर आपने नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे आगे के. ठीक है ना? सो फर्स्ट इज न्यू एंड ईडब्ल्यू. न्यू मीन्स क्या होता है? नया. न्यू मीन्स क्या होता है? नया. अब उल्टा अर्थ क्या निकलेगा उसका? न्यू का क्या हो जाएगा? ओल्ड. न्यू मतलब नया, पुराने को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड. न्यू मीन्स नया, पुराना को क्या बोलेंगे? ओल्ड. एक ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, वो भी क्या होता है? ओल्ड होता है. लेकिन ये ओल्ड का मतलब भी क्या होता है? पुराना होता है. इसका मीन क्या होगा? पुराना. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग. एस टी आर ओ एन जी. स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है ताकतवर. उल्टा मीन क्या होगा? अपोजिट क्या होगा इसका? स्ट्रॉन्ग का हो गया ताकतवर. अब कमजोर को हम क्या बोलेंगे? वीक. W E A K. वीक. वीक मीन्स क्या होता है? कमजोर. नेक्स्ट लाफ. एल ए यू जी एच. लाफ. एल ए यू जी एच. लाफ. लाफ मीन्स होता है हंसना. हंसना का उल्टा क्या होगा? रोना. रोने को हम क्या बोलेंगे? क्राई. क्या बोलेंगे? क्राई. सी आर वाई. क्राई. क्राई मीन्स रोना. नेक्स्ट डे. डी ए वाई. डे. डे मीन्स क्या होता है? दिन. क्या होता है डे मीन्स? अपोजिट क्या होगा इसका? नाइट. एन आई जी एच टी. नाइट मीन्स क्या होता है? क्या होता है? रात. Day means then, night means रात. Next. Happy. H A double P Y. Happy. Happy means क्या होगा? खुश. क्या होता है? Happy means खुश होना. अब happy का opposite क्या हो सकता है? Sad. Sad. दुखी होने को क्या बोलेंगे आप? Sad. S A D. Sad means क्या होगा? दुखी. Next. कम. सी ओ एम ई. कम. कम का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो? कम मीन्स आना. जाने को क्या बोलेंगे? गो. गो. गो मीन्स जाना. नेक्स्ट बॉय. बॉय का अपोजिट क्या होगा? गर्ल. बॉय का अपोजिट गर्ल. गर्ल मीन्स क्या होती है? लड़की. बॉय मीन्स लड़का. अपोजिट बनाया हमने गर्ल. गर्ल क्या हो जाएगी? लड़की. नेक्स्ट इन. इन मीन्स क्या होता है? अंदर. और बाहर को क्या बोलेंगे हम? आउट. इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर. इन आउट. नेक्स्ट सिट. एस आई टी. सिट. सिट मीन्स क्या होता है? खड़े होना. सॉरी, सिट मीन्स बैठना एंड स्टैंड मीन्स खड़े होना. सिट मीन्स होता है बैठना एंड स्टैंड मीन्स खड़े होना. सिट स्टैंड. नेक्स्ट मदर. मदर का अपोजिट क्या होगा? फादर. मदर का अपोजिट फादर. मदर मीन्स मम्मी, फादर मीन्स पापा. पापा या पिताजी. मदर मीन्स माताजी. नेक्स्ट राइट. W R I T E. राइट मीन्स होता है लिखना. और पढ़ने को क्या बोलेंगे हम? रीड. R E A D. रीड. रीड मीन्स क्या होगा? पढ़ना. राइट एंड रीड.
नेक्स्ट अप, अप मीन्स ऊपर, नीचे को क्या बोलेंगे डाउन, अप डाउन, डी ओ डब्ल्यू एंड। ऐसे तो बच्चों बहुत सारे आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं, बट हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, जो मेरे को सही लगे अपोजिट वर्ड जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको लर्न भी करने हैं, लेकिन आपकी बुक में जितने भी रखे वो तो आपको सारे ही पढ़ने हैं। जो मैंने आपको सामने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किए वो तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, उसे लर्न भी करोगे, ठीक है, क्योंकि सारे तो हम ब्लैक बोर्ड पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको बाकी के अपोजिट्स आपकी बुक में से रीड कर लेना है, ठीक है। सो अगेन एक बार और देखते हैं हम, वर्ड एंड अपोजिट्स, वर्ड तो आपको दे रखा है, इसका अपोजिट क्या होगा वो हमने मेंशन कर दिया है, न्यू, एनी डब्ल्यू न्यू, न्यू का अपोजिट क्या होगा ओल्ड, ओ एल डी ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का होगा डब्ल्यू ई ए के, वीक, वीक मीन्स कमजोर, एल ए यू जी एच लाफ, लाफ मीन्स हंसना, सी आर वाई क्राई, क्राई मीन्स रोना, डी ए वाई डे, डे का एन आई जी एस टी नाइट, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, एंड एस ई डी सैड, सैड मीन्स दुखी, सी ओ एम ई कम, कम का क्या हो जाएगा गो, गो मीन्स जाना, डी ओ वाई बॉय, बॉय का अपोजिट जी आई आर एल गर्ल, आई एन एन ओ यू टी आउट, आउट मीन्स बाहर, सिट, एस आई टी सिट, सिट मीन्स बैठना, स्टैंड मीन्स खड़े होना, एम ओ टी एच ई आर मदर, मदर मीन्स माता जी, एफ ए टी एच ई आर फादर, फादर मीन्स पिताजी, डब्ल्यू आर आई टी राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, एंड आर ई ए डी रीड, रीड मीन्स पढ़ना, यूपी अप, डी ओ डब्ल्यू एंड डाउन। तो बच्चों आपको आज वर्क करना है स्पीक एंड राइट अपोजिट वर्ड्स, ओके, बोलना भी है और लिखना भी है और लर्न भी करना है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।